आप सचमुच ही बहुत अधिक मात्रा में उत्तम, भले एवं सुयोग्य हैं। अपनी अच्छाइयों को प्रकाश में लाइए, दूसरों को उन्हें जानने दीजिए, उत्तमता को प्रकट होने दीजिए। इससे आपको सन्मार्ग पर चलने में प्रोत्साहन, प्रगति और प्रकाश की प्राप्ति होगी। आदर, प्रतिष्ठा और श्रद्धा के भाजन बनने से आपका अंतःकरण ऊर्ध्वमुखी होकर परमार्थ की ओर अग्रसर होगा। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। आप बाहर की ओर देखना छोड़कर अपने अंतःकरण को तलाश कीजिए, क्योंकि अखंड आनंद का अक्षय स्रोत वहीं छिपा हुआ है। अपने सत तत्वों को जागृत कीजिए, उन्हें विकसित और समुन्नत कीजिए। आपका जीवन उल्लास से परिपूर्ण हो जाएगा। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। पुस्तक का नाम आंतरिक उल्लास का विकास। पुस्तक परिचय। प्रसन्नता, आनंद और संतोष की प्राप्ति के लिए लोग संसार को छान डालते हैं, इधर उधर मारे मारे फिरते हैं, वस्तुओं के संग्रह की धूम मचा देते हैं तथा अनेक प्रकार की चेष्टाएं करते हैं। इतने पर भी अभीष्ट वस्तु प्राप्त नहीं होती। सारे कष्ट, साध्य, प्रयास निरर्थक चले जाते हैं। मनुष्य प्यासे का प्यासा रह जाता है। इसका क्या कारण है? कारण यह है कि उल्लास का उद्गम अपनी आत्मा है। संसार की किसी वस्तु में वह उपलब्ध नहीं हो सकता। जब तक यह तथ्य समझ में नहीं आता, तब तक बालू से तेल निकालने की तरह आनंद प्राप्ति के प्रयास निष्फल ही रहते हैं। जब हम यह समझ लेते हैं कि आनंद का स्रोत अपने अंदर है और उसे अपने अंदर से ही ढूंढ निकालना होगा, तब सीधा रास्ता मिल जाता है। पुस्तक के कुछ प्रश्न। आंतरिक सद्वृत्तियों को विकसित करके आंतरिक उल्लास को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है? बिना भौतिक वस्तुओं का संचय किए किस प्रकार हम हर घड़ी आनंद में सराबोर रह सकते हैं? वस्तुओं के अच्छा लगने का क्या कारण है? क्या अपनी आँखों से इस जीवन में ही उस स्वर्ग की झांकी करने के लिए सचमुच उत्सुक हैं? इन सभी प्रश्नों का उत्तर लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत है एक लघु पुस्तक, जिसमें आंतरिक उल्लास के विकास की सुनिश्चित विधि बताई गई है। पुस्तक के कुछ अंश। आप अपने में अच्छाइयां देखिए, दूसरों में अच्छाइयां देखिए। इस संसार में श्रेष्ठताएं, उत्कृष्टताएं, दैवी संपदाएं कम नहीं हैं। आप उन्हें ध्यान पूर्वक देखिए, रुचिपूर्वक पहचानिए और आग्रह पूर्वक ग्रहण कीजिए। ऐसा करने से आपके अंदर बाहर चारों ओर अच्छाइयों से भरा हुआ प्रसन्नता पूर्ण वातावरण एकत्र हो जाएगा। इस वातावरण में आपको आनंद का, उल्लास का दर्शन होगा। अपने निकटवर्ती लोगों पर यदि आप आत्मीयता की भावनाएं आरोपित कर दें, तो वे सब आपको प्रिय, आनंददायक, मनोहर और प्रसन्नता बढ़ाने वाले प्रतीत होने लगेंगे। जो लोग अल्पज्ञ और अपराधी हैं, वे भी कपड़ों पर मलमूत्र त्याग देने वाले अपने बालक के समान आनंदप्रद ही लगेंगे। प्रेम एक ऐसा शब्द है जो टूटे हुए हृदय को जोड़ता है, बिछड़ों को मिलाता है, विद्वेष को शांत करता है, शिकायतों को दूर करता है, अपने मनोभावों को वाणी या आचरण द्वारा दूसरे पर इस प्रकार प्रकट करें जिससे उसे यह विश्वास हो जाए कि आपका आत्मभाव सच्चा है। बिना किसी खुदगर्जी या मायाचार के अपनेपन की भावना रखते हैं तो विश्वास कीजिए कि वह आपका गुलाम हो जाएगा। लोग क्या कहते हैं, इस आधार पर यदि सुखी, दुखी होने पर सदैव दुख भोगना पड़ेगा, क्योंकि यह संभव नहीं कि सब आपकी मनमर्जी के बन जाएं और
वैसे ही आचरण करें जैसे कि आप चाहते हैं। हम क्या करते हैं इस आधार पर यदि सुखी होने की आदत डालेंगे तो सदैव सुख ही सुख सामने पड़ेगा। जो आत्मभाव का जितना विस्तार करता है अधिक लोगों को अपना समझता है, दूसरों की सेवा सहायता करना आवश्यक कर्तव्य समझता है और उनके सुख दुख में अपना सुख दुख मानता है, वह ईश्वर के उतना ही निकट है। आत्मविस्तार और ईश्वर आराधन एक ही क्रिया के दो नाम हैं। परमपिता की इच्छा है कि सब लोग प्रेम पूर्वक भाई भाई की तरह आपस में मिलजुल कर रहें। यह तभी हो सकता है जब त्याग की नीति को प्रधानता दी जाए, स्वार्थ की अपेक्षा परमार्थ का अधिक ध्यान रखा जाए। नम्रता, भलमनसाहत, क्षमा, दया, प्रेम और त्याग भावना को अंदर धारण करने से हृदय में शाश्वत शांति का आविर्भाव होता है। स्वार्थ रहित प्रेम के इस महान नियम में अपने को केंद्रस्थ करना मानो संतोष, शीतलता, विश्राम और ईश्वर को प्राप्त करने के मार्ग पर पदार्पण करना है। तनिक भी विचलित ना होइए, मन को जरा भी गिरने ना दीजिए। सर्दी गर्मी के घातक प्रभावों से वस्त्रों द्वारा अपनी रक्षा करते हैं, मलेरिया या हैजा के कीटाणुओं को दवा द्वारा शरीर में से मार भगाते हैं। इसी प्रकार आत्मविश्वास द्वारा उन प्रभावों को अपने मस्तिष्क में से निकाल बाहर कीजिए जो आपको नीच, दुर्गुणी, असफल और मूर्ख ठहराते हैं। पुस्तक के कुछ बिंदु: आंतरिक उल्लास का विकास, त्याग और सेवा सच्चे प्रेम का प्रमाण, अपने सद्गुणों को प्रकाश में लाइए, प्रसन्नता की मिठास चखिए और दूसरों को उठाइए।